أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مومن اذان دے رہا نا ہاں آج تہجد کے بعد سویا نہیں تھا ماشاءاللہ اللہ ٹھیک کہتا ہے کہ ہم اس کی کس کس نعمت کو شکرائیں اتنی سعادت مند اولاد خاص کرم ہے سبحان اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ماشاءاللہ مومن میاں آج پھر بازی لے گئے تم ہم سے مولانا صاحب آپ ہی تو کہتے ہیں کہ نیکی میں سبقت لے جانی چاہیے ارے میں نہیں کہتا بیٹا
ये तो प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है। वैसे तो बेटा तुम हमेशा रोजाना बहुत अच्छी अजान देते हो, लेकिन आज तुम्हारी अजान में मैं सोच रहा था कि कोई खास बात है। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे जैसे ये महज बुलावा नहीं बल्कि इल्तिजा है कि आ जाओ फलाह की तरफ, आ जाओ फलाह की तरफ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत खुश हूँ आज मैं। अल्लाह बहुत मेहरबान है मुझ पे। आपको याद है मैंने बताया था वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया? हाँ? वो जॉब मिल गई है मुझे, आज पहला दिन है। अरे मुबारक बेटा, बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह। बस ऐसे ही बेलजहा के गफलत में भरे हुए जो दिल है अल्लाह के घर की आवाज सुनते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह को प्यार करते हैं ना, अल्लाह उन पर बहुत मेहरबान होता। बेशक सुन्नतें अदा कर लें। आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप तुम्हारे अब्बा से मिलते हैं? अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बहुत बहुत मुबारक। आज हमारे मोमिन मियाँ की जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला है। आपको भी मुबारक हो, इसकी कामयाबियों में आपकी दुआओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। सलामत रहें और खुश रहें। मोमिन बेटा जल्दी आ जाओ। अरे आ जाएगा उसे जल्दी तो तुम्हें। अगर मैं जल्दी नहीं करूंगी ना तो देखिएगा ढंग से नाश्ता नहीं करेगा। अम्मा आपके बेटे ने पहले कभी देर की? चलो बैठो जल्दी से। यही कह रहा था तुम्हारी अम्मा को। लेकिन एक काम में तो आप देर कर रहे हैं, चाहे आप माने या ना माने। एनी इंसान बनो। नहीं नहीं अम्मी, एनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब ये जॉब वाला बहाना ना खत्म हो गया, अब हम भाई की एक नहीं चलने देंगे। बिल्कुल बाबा, और अब आपने हमारा साथ देना। बिल्कुल बाबा, ये आपकी बेटियां हर वक्त खाली पुलाव पकाती रहती हैं। खबरदार जो मेरी बेटियों को कुछ कहा तुम। हाँ नहीं नहीं अल्लाह माफ करे, भिड़ों के छत्ते में मैं क्यों हाथ डालूंगा। बाबा सुन रहे हैं आप इन्हें? आज मैंने हलवा पूरी बनाई तो सोचा आप सबके लिए भी ले आऊं। ये तुम सबके लिए लाई हो या किसी खास शख्सियत के लिए? अरे वैसे भाई तो बहुत स्पेशल दिन है आज, आज तो हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे। अब्बा जी आपको पता है मैं इतना हैवी नाश्ता करता नहीं हूँ। तो शायद ऐसे ही नाश्ते की आदत डालनी पड़ेगी। करोगी तुम? हे बेटा आओ ना बैठो, तुम भी करो हमारे साथ नाश्ता। अब नहीं खाला मैं चलती हूँ, अम्मी ने कहा था कि जल्दी आ जाना। हाय अल्लाह, अम्मी की फरमा बरदार बेटी। फरी तुम भी ना। अल्लाह भाई जल्दी करो, तुमने कॉलेज भी जाना है। बाबा भाई छोड़ेंगे ना मुझे? क्यों भाई, अब तो आपके रास्ते में आता है ना कॉलेज। हाँ
लो भाई तुम भी पूड़ियाँ खाओ। दो दो इसको दो। हाँ दो खाओ अब्बा। हाँ अब्बा अब्बा के बच्चे। ये तुम्हारा सरप्राइज। क्या? माँ ने गिफ्ट किया है। ऑब्वियसली और कौन दे सकता? क्या मतलब? मतलब कि ऐसा गिफ्ट कोई बहुत मोहब्बत करने वाला ही दे सकता। मुझसे मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है गौहर। किसी को एक मैसेज का रिप्लाई कर दूं ना तो गाड़ी तो क्या जान हथेली पे रख के लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। और इतनी मोहब्बत का अख्तियार मैं किसी और को दूंगा? बाहर निकल आओ। चलो अगर अच्छा नहीं भी होगा तब भी तुम तारीफ करोगे। मैंने तो इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। आशी पागल हो तुम? कहाँ घूमो? कहीं नहीं। अच्छा तो फिर क्या सोच रही? अम्मी आज मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। पागल हो तुम? वो भी यही कह रहा। माया ऐसे तो तुझे हम नहीं छोड़ेंगे भाई, ट्रीट तो देनी होगी। माया की तरह से ट्रीट मैं दूंगा तुम सब लोगों को। रियली? हाँ dinner tonight, how about that? Wow, माया तुम्हें तो बचा लिया गौहर ने। Thank you. मुझे लग रहा है क्लास का टाइम हो रहा है तुम्हारी। I'll see you guys after class. इसे क्यों भगा दिया? मैम मुझे ये समझ नहीं आता इतनी मोहब्बत करता है वो तुमसे और तुम दोनों ने सब्जेक्ट भी अलग रखे हैं। Just imagine, अगर सारे सब्जेक्ट साथ लिए होते तो वो पूरा दिन मेरे सर पे सवार रहता। ऐसे तो मत बोलो यार, बेचारा मोहब्बत करता है तुमसे। तो क्या मोहब्बत का मतलब ये होता है कि आप किसी के सर पे पूरा दिन सवार रहे? If that's the case, then I don't want it. Guys, we are getting late. तुम लोगों को क्लास नहीं लेनी? I need to grab something from the cafeteria. मैं आती हूँ बस। अच्छा लिसन, नए सर की पहली क्लास है आज, जल्दी आना। आ जाऊंगी, जाओ जाओ। डायरी रख दी मेरी? जी जी। सुने आशा, आप जल्दी आ जाएंगे? क्यों? आप क्या चलेंगे ना? कमाल करती है आंसर भाई, ये चार घर छोड़ के उनका घर है। हफ्ते में कई बार तुम इनके यहाँ चली जाती हो, आज क्या आफत है कि मैं जाऊँ? दरअसल मोमिन की नौकरी शुरू हुई है, मुबारकबाद देकर आ जाएंगे। तुम जाकर दिया ना, ये फजूल के चौंचलों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। आप जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा।
अंसर बेगम कपड़े का कारोबार करता हूँ। खान देख के पहचान जाता हूँ कि प्रिंट क्या है, क्वालिटी क्या है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे बहनोई को मेरा जाना अच्छा नहीं लगता। जमील आप ये गलत फहमियाँ कब दूर होंगी? और जो उम्मीदें तुमने बांध रखी है ना उन लोगों से, वो भी पूरी नहीं होनी। ये भी आपकी गलत फहमी है, आपा तो बहुत प्यार करती हैं आशी से, और शहजाद भाई ने तो कभी फर्क नहीं किया अपनी बेटियों में और हमारी बेटी में। अगर मुझे देर ना हो रही होती ना, तुम्हारी हर दलील का जवाब था मेरे पास। अरे उनके मिजाज तो पहले भी हवाओं में थे जब मौसूफ की नौकरी नहीं थी, अब तो साहिब मुलाजमत हो गए वो, अब हम उनके मिजाज पे कैसे बुरा उतरेंगे। चले ठीक है, नहीं जाते मुबारकबाद देंगे। मैंने कहा तो है तुम चली जाओ। नहीं अकेले नहीं जाऊंगी। अजीब से था भाई, अब नहीं जाओगी तो ये भी मेरे सर पे आएगा कि मैंने जाने नहीं दिया। देखेंगे रात को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिन शहजाद है। आज से बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आप लोगों का मेरे साथ होगा। सिर्फ दो चीज़ें छोटी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो कॉन्सेंट्रेट ऑन माई लेक्चर, एंड सेकेंड थिंग इज योर पंक्चुअलिटी, एंड दिस इज फॉर योर एक्सक्यूज मी। आपको मैंने अंदर आने के लिए नहीं कहा। वो सर आप स्टूडेंट हैं? सर ये माया एहसान है, हमारी क्लास की सीआर। एक्चुअली मैं नाश्ता लेने के लिए कैफेटेरिया चली गई थी। आइंदा याद रखिएगा, अगर आप नाश्ता किए बगैर आई तो मैं लेक्चर देने कैफेटेरिया नहीं आऊंगा। जी सर मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हूँ। 5 सेकंड भी लेट होंगी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज कीप दैट इन योर माइंड, सिट डाउन, हैव अ सीट। सो ओपन योर बुक्स, पेज 48। यस राइट। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि माया के साथ इतनी बुरी हुई है। का पहला दिन था आज, इसीलिए इतना ओवर एफिशिएंट होना। यू नो व्हाट, ये जो सारे यंग लेक्चरर्स होते हैं ना, इन सब का एक ही प्रॉब्लम होता है, फर्ज से मोहब्बत, कौम से वो कौम के मेहमानों की तरबियत, कौम के मेहमानों की तरबियत, और वो जो इल्म का फरोग, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट। एग्जैक्टली, एंड आई बेट यू, आई नो जब वो खुद कॉलेज में होगा ना तो वो सारी मस्तियां करता होगा। यहाँ ऐसे प्रटेंड कर रहा है जैसे उससे बड़ा मोमिन कोई है ही नहीं। माया उनका तो नाम भी मोमिन है। जो भी हो जाए माया, कल से तुम्हें टाइम पर आना पड़ेगा वरना एंट्री नहीं मिलेगी। मेरी एंट्री रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। लो आ गए मौसूफ। अरे मौसूफ को तो खिदमत खल्क का ही बहुत शौक। इसीलिए तो पहले दिन ही माया को वार्न कर दिया कि अपनी हैबिट्स तब्दील कर ले। वैसे बंदा है बड़ा स्वीट, नहीं माया? काश कि ज़बान का भी अच्छा होता। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि आज के डिनर का क्या प्लान है? कौन जा रहा है डिनर पे? अरे तुम्हारी नई गाड़ी की खुशी में जो मैं सबको ट्रीट दे रहा हूँ। तुम ट्रीट दे रहे हो, तुम मुझसे क्यों ट्रीट मांग रहे थे? गाहिर, this is not fair. चुप करो, मेरा और माया का रिलेशनशिप डिफरेंट है। ट्रीट मैं दूंगी क्योंकि मेरी गाड़ी है और तुम सब मेरे लिए बराबर हो, और वैसे भी अपनी खुशी में मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। तो फिर आज रात का डिनर डन। यस इट्स डन एंड यू ऑल हैव टू कम। ओके ओके मैं नहीं आ रहा। तुमने फिर उसे नाराज कर दिया माया, तो पता नहीं क्या हो जाता है। गौहर पागल लड़की है। गौहर लिसन, वेट, क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रहा है? व्हाई आर यू ऑलवेज सो मीन टू मी? व्हेन वाज आई मीन टू यू? यार हर बात से हर्ट क्यों हो जाते हो? तो तुम पीछे क्यों आ रही हो? सही नहीं आती, लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लो,
आइंदा भी पीछे नहीं आऊंगी. यू आर इनवाइटेड, यू आर मोर देन वेलकम. नहीं आना तो सूट योरसेल्फ. आ रहे हो? नहीं, डिनर मेरे बगैर भी हो जाएगा. भाई तूने मुझे पिक करना है. तुझे लगता है मुझे डिनर पे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए. मोहब्बत के मामले में इतनी जल्दी हार नहीं मानते. मोहब्बत? उसकी नजर में तो मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत ही नहीं है. इसलिए कि वो माया है जिसके पीछे इस यूनिवर्सिटी का हर दूसरा लड़का पड़ा हुआ है लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं करता. तूने मुझे बाकी सबके साथ लाके खड़ा कर दिया. तुझे अंदाजा है कि मैं माया से कब से मोहब्बत करता हूँ, जब सब लोग स्कूल में थे. तो फिर भी इतने टाइम में उसे नहीं समझ सका? बस मुझे साफ कह दिया कि मुझे दोबारा नहीं बुलाएगा. इसीलिए कह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड हर. अगर तू इतने टाइम में उसे मोहब्बत के साथ नहीं जीत सका तो एटीट्यूड दिखा के कैसे जीत लेगा? बोल, आएगा डिनर पे? आ जाऊंगा. ओके, तो पिक कर लेना मुझे. कर लूंगा. तो फिर ड्रॉप भी कर दे. फुकरे आ जा. Hi, Ma. Hello, beta. How was your day? It was a bad day. Kya hua? Rani, mujhe pani la ke do. Lai. Kisi se ladke aayi ho? Kisi ki itni jurrat hai ki mujhse lade? Aaya, bibi. Main aapke liye juice le aaun. Tumse jitna kehti hu na, utna hi kya karu? Baji, dekh liya aapne? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जूस का कहूंगी और मुझे डांट पड़ जानी है. थैंक यू रानी. बेटा, इसने मुझे अभी जूस दिया था तो मैंने ही कहा था कि जब तुम आओ तो तुमसे पूछ ले. कभी कभार फ्रेश जूस पी लेना चाहिए. सुबह भी नाश्ता के बगैर गई हो तुम. आइंदा याद रखिएगा, अगर आप नाश्ता किए बगैर आई तो मैं लेक्चर देने कैफेटेरिया नहीं आऊंगा. क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ आइंदा नाश्ता करके जाया करूँ. तुमने बताया नहीं यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है. मॉम, एक नया टीचर आया है. सुबह सुबह सबके सामने उन्होंने मुझे डांटा. तुम्हें डांट दिया? Yes, it wasn't even my fault, ma. फसूल में ओवर स्मार्ट हो रहे थे. तो बेटा कंप्लेन करनी थी. I couldn't complain. मैं ही कुछ मिनट लेट हो गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि जनाब की डिक्शनरी में लेट होना गुनाह अजीम है. Be careful next time. I will be careful. माया, तुम्हारे डैड की कॉल आई थी. पूछे थे तुम्हारा. अगली बार कॉल आए तो कहेगा I'm dead. कैसा रहा पहला दिन? किसी ने यकीन भी किया कि ये हैंडसम जवान लेक्चरर है? आपा, आजकल मार्केट में ऐसे ही लेक्चरर्स आ रहे हैं. बताए ना भाई, मजा आया? खूब मजा आया. दरअसल मैं भी थक गया था छोटे छोटे कॉलेजेस और ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के. बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का ख्वाब पूरा हो गया मेरा. अल्लाह मेरे बेटे के सारे ख्वाब पूरे करे. आमीन. आप किससे बात कर रही थी? वो वलीद की अम्मी का फोन आया था, वो आना चाह रही हैं. आपा, आप तो तैयारी पकड़े हैं. लगता है वलीद भाई की बेचैनियां आपको और नहीं रहने देंगी. इंसान बन जाओ. मुझे तो लगता है इस दफा तारीफ लेकर ही जाएंगी.
तुम्हारे अब्बा तो चाहते थे कि 4-6 महीने बाद की तारीख दें, लेकिन अम्मी हमने पहले भाई की शादी करनी है। मैंने और आपा ने भाई की शादी पे खूब मजा लगाना है। जी नहीं, जो मजा लगाने का सोचेगा ना उसे एक लगेगी मुझसे। अम्मा सादगी से निकाह करवाऊंगा, वो भी मस्जिद में और सुन्नत के मुताबिक वलीमा। अम्मी देख ले इन्हें। तुम चुप रहो, बल्कि उठो यहाँ से, जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ो। अम्मा परेशान ना हुआ करें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। तुम्हारे अब्बा भी यही कहते हैं, लेकिन अब्बा जब कुछ कह देते हैं ना तो लेकिन की गुंजाइश ना रखा कर, क्योंकि अब्बा कभी गलत नहीं कहते। जीते रहो बेटा। हाँ तो बस अब इस दफा तुम्हारे घर से तारीख लेकर ही उठना है हमें। जैसा आप मुनासिब समझो। पहले अंकल ने कहा था कि मोमिन की जॉब हो जाए, तो अब मोमिन की जॉब हो गई है ना। वो तो अब्बा इसलिए कहते थे ना क्योंकि उनकी सेविंग्स और पेंशन अगर शादी में चले जाए तो घर का निजाम कैसे चलेगा। यार अब तुम शर्मिंदा कर रही हो मुझे, हमने कौन सा मुतालबे कर लिए जो तुम लोगों को इतना सोचना पड़ रहा है। और वैसे भी तुम मुझे ऐसी चाहिए हो, अंकल आंटी अगर तुम्हें खाली हाथ भी भेज देंगे ना तो भी तुम कबूल है मुझे। सब्र रखें, आप ही की अमानत हूँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज़। अरे बात तो सुनो। तो कौन सी तारीख तय हुई? क्या मतलब? वो तो अम्मी अब्बा रखेंगे ना। वलीद भाई ने नहीं बताई? उन्होंने तो बस ऐसे ही फोन किया। अच्छा मौसम का हाल सुनाने के लिए? मेरा मतलब है कि दिल के मौसम का हाल सुनाने के लिए। एनी इधर आओ, तुम बहुत शराब भी हो गई हो तुम। इधर भाई एक मिनट। भाई आपा कह रही है इन्हें अभी शादी नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं है वलीद भाई को तारीख देने की। ओ अमानत है वलीद की, और यूं भी हुक्म है कि जिसकी अमानत हो उनको जल्दी सौंप देनी चाहिए। अम्मा मुझे यकीन था कि तुम आओगे। हाय सुमै, थैंक यू। हाँ तुम्हारे यकीन की वजह से यहाँ पर आया हूँ। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कम हैव अ सीट बेटा। हाय। बहुत लेट हो गया, मेन कोर्स ऑर्डर करें? या श्योर, कुछ पास द मेन्यू। अच्छा अब्बा मैं जा रहा हूँ मस्जिद। हाँ कौन है? मैं देखता। जी जी आ रहा हूँ। कौन है? मैं हूँ जमील मोमिन। अरे कौन है? अस्सलाम वालेकुम खालू जान। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, आपने तो बड़ा जबरदस्त सरप्राइज दिया। आई मैं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आखिर मोमिन आपका ही बेटा है। हाँ हाँ बिल्कुल। भाई मैं तो सुबह ही आना चाहती थी,
लेकिन फिर जमील ने कहा नहीं शाम को मिठाई लेकर आएंगे तो साथ चलूंगे। अरे खामखा तकल्लुफ किया आप लोगों ने। अरे आशी तो हमारा पहले ही मुंह मीठा करवा चुकी है। अच्छा आप लोग बैठ के बात कीजिए, मुझे मस्जिद जाना है। अभी अजान तो नहीं हुई खालू जान, वो अजान ही तो देनी है, फिर जमात में मुलाकात होती है। अब्बा खालू को जरूर लाइएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। आई ना बैठिए। दरअसल मोमिन को अजान देने का बहुत शौक है और फजर और इशा की तो ये कभी मिस ही नहीं करता है। माशाल्लाह, तभी तो घर में इतनी बरकत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरी बेटा जाओ चाय का पानी रखो। अरे जमील इतने अरसे बाद आए हैं, आप खाना खा के जाएंगे। अरे नहीं भाईजान, बिल्कुल तकल्लुफ ना करें, हम लोग खाना खा कर आए। चाय जरूर पियेंगे, वरना कल को ये कह देंगे आप कि इतने अरसे बाद आए चाय भी नहीं पी। हाँ तो जमील साहब कैसा चल रहा है आजकल? बस भाई क्या बताएं, बेईमानी का दौर दौरा चल रहा है, लालच ने अंधा कर दिया लोगों। अल्लाह सबको हिदायत दे, यही कह सकते हैं ना। अरे मुंह मीठा कराओ भाई। हाँ यस। मुझे तो हैरत है खालू हमारे घर आने पर मान कैसे गए। कैसे क्यों, को छोड़ो, शुक्र करो कि आ गए हैं। अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा खास है। सुबह भी आशीबाजी के हाथ का हलवा खाया था और दिन के आखिर पर इनका मीठा सा दीदार दोबारा हो गया। अच्छा तुम्हें तो बड़ी बातें आ गई है। जी हाँ, आप ऐसे कह रही हैं जैसे सिर्फ मुझे आ गई है, आप भी कुछ कम नहीं है। पागल हो तो। एक दो तीन। मैं तो डायरी गया था कि पता नहीं तुम मुझे दोबारा बुलाओगी कि नहीं। Seriously? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना डरते हो। आया तुम्हारा ये तो मसला है कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब? मतलब कि हाँ आप किसी के दिल में फोर्सफुली अपनी मोहब्बत नहीं जगा सकते। Oh please गौहर, मुझसे रोमांटिक बातें मत करना। तुम्हें पता है फिल्मी बातों से मैं कितना इरिटेट होती हूँ। तुम कैसी लड़की हो जो मोहब्बत की बातों से इरिटेट होती हो? ऐसी हूँ मैं। सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और रात आती है तो रुक जाओ, नहीं तो नहीं तो क्या? तुम एक बहुत अच्छी दोस्त खो दोगे। That's mean. I am mean. और मैं तुम्हें मशवरा दे रही हूँ कि मुझसे दोस्ती रखनी है तो रख लो, लेकिन प्लीज ये मोहब्बत किसी और से करना। तुम खुद सोचो, इतने सालों में तुम्हारी मोहब्बत का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ, तो तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी? तुम्हारा साथ चाहिए माया। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते। And that's a fact. नहीं तो तुम्हारे इतने इग्नोर करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ ना होता। Your choice. तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो गौहर, जब मुझे मोहब्बत होगी ना तो डंके की चोट पर होगी। अब वो चाहे तुमसे हो या किसी और से, उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। पत्थर दिल वालों पे मोहब्बत नहीं उतरा करती।
आप तो यूं ही गुस्से हो रहे हैं। हाँ, तुमने तो यही कहना है ना। तुमने तो हमेशा अपने लोगों की हिमायत की है जिन्होंने हमें जूती की नोक पे रखा, उनकी खातिर तुम मुझे गलत कह देती हो। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो इतना नाराज हो रहे हैं? पलकों पे तो बिठाते हैं वो दोनों आपको। अरे सब दिखावा है। और वो जो तुम्हें शौक था ना जिन्हें नौकरी की मुबारकबाद देने का, वो तो तुम्हें देखते निकल गए। क्या फायदा ऐसी डिग्री होगा जो इंसान को इंसान की इज्जत करना ना सिखाए। अजान देनी थी उसे, कोई झूठ बोल के तो नहीं गया, और फिर हमने अजान सुन भी ली। जनील शौक है उसका, आपने सुना नहीं था आपा क्या कह रही थी कि फजर और इशा की अजान कभी मिस नहीं करता वो। और वो तुम्हारे बहनोई साहब, उन्हें क्या मसला था? हमारे साथ बैठ के चाय नहीं पी सकते थे क्या वो? जमात का वक्त हो गया तो वो चले गए। जमील हम गए गलत वक्त पे थे। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, हम करें तो गलत, वो करें तो ठीक। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप भी चले जाते, जमात के साथ नमाज पढ़ के आ जाते। उन्होंने तो कहा था आपसे। बस कर दो, सब समझता हूँ मैं। मुसलमान तो सिर्फ वही है ना। इस्लाम में दिखावे की सख्त ममानियत है, और दिखावा करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब इसमें दिखावा कहाँ से आ गया? पूरा मोहल्ला उनकी इज्जत करता है। आज इज्जत है तो फरी का रिश्ता इतने अच्छे घर में हुआ है। और मोमिन, मोमिन पर तो मोहल्ले के घर के हर फर्द की नजर है। ऐसे फर्मा बरदार लड़के तो कम ही होते हैं आजकल के जमाने में। वो पड़ोस में राबिया आपा है ना, वो भी पूछ रही थी कि आपा ने कहीं ऐनी का रिश्ता तो तय नहीं किया। आपा और भाईजान ने अपने बच्चों की तरबियत ही इतनी अच्छी की है कि हर कोई उनके नाम देता है। आ गया ना खौफ आज जुबान पे, इसीलिए कहता हूँ कि मोमिन की तरफ से उम्मीद लगाकर मत बैठो। नहीं लेगा वो तुम्हारी बेटी का रिश्ता। क्या हुआ, तुम लोग इतनी जल्दी चले क्यों गए? बस बाबा का मूड ऑफ हो गया था। किस बात पर? अम्मी बाबा आए थे, तुम्हें उनके पास बैठना चाहिए था ना। आशी, आशी मैं जानबूझकर नहीं गया था। हुकूक लबाद नहीं पूरे करोगे तो हुकूक अल्लाह भी नहीं माने जाएंगे। आज बाबा इतने दिनों बाद तुम्हारी खुशी में शामिल होने को आए थे, थोड़ी देर उनके पास बैठ जाते, अजान तो कोई भी दे सकता था। नाराज हैं क्या खालू? बहुत ज्यादा। चलो मैं सुबह आकर उनसे माजरत कर लूंगा। आप तो नाराज नहीं हैं। और अगर मैं कहूं कि मैं भी नाराज हूं तो फिर आप मेरी आशी नहीं है, क्योंकि मेरी आशी तो मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। मैं नाराज हो गई ना तो मुझे मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम मुझे किसी मुश्किल में डालो, ये हो ही नहीं सकता। इस एतबार को हमेशा कायम रखना। एतबार तो मोहब्बत की पहली शर्त होती। एतबार खत्म, मोहब्बत खत्म। अच्छा क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस लेक्चर की तैयारी। ओहो, मैंने तो तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। सुबह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।